कश्मीर के तले पर बीती रात साधु के अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया, जबकि वहां मौजूद घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती इलाज कर रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती है ये वो महिला कुलवती, जो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। रात में हुए कत्ल की वारदात को वो महज इतना बता पाई कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। हालांकि पुलिस के अधिकारी हत्या की साफ वजह बताने में कतराते हुए इतना जरूर बता रहे कि कई बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल चल रही है। गौरतलब है कि बिजनौर से सटे सालमबंद बरेरा में एक मंदिर थल के सहन में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने साधु सतवीर को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसके नजदीकी पड़ी गर्भवती महिला बेहोश पड़ी मिली। चश्मदीद के मुताबिक मौके पर पड़ी लाश से करीब महिला के जिस्म पर कपड़े उतरे हुए थे, साथ ही हाथ की चनिया भी टूटी हुई थी। इससे इलाके के लोग भी हत्या की वजह महिला का वहां पर होना मान रहे हैं। फूलवती है? फूलवती। फूलवती क्या हुआ आपके साथ? किसने क्या करा? गलत करा। किसने गलत काम किया? क्या पता, साधु ने। हाँ। और भी कोई शामिल था? रहे थे। हाँ। कितने थे? लोग थे? दो। चार। हाँ। तो वहाँ क्या करने गई थी आप? मैं काम करे। काम कर रही थी? हाँ। तो मंदिर में हुआ या मंदिर में? आपके साथ ये थाना कोतवाली शहर में ग्राम भरेरा है, और उस ग्राम भरेरा के बाहर करीब 200 मीटर की दूरी बाहर एक छोटा सा मठ है। तो वहाँ पर ये बाबा लग इनका नाम है सतवीर सिंह, और ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले बताए जाते हैं। इनकी उम्र लगभग 50-55 वर्ष है। ये पिछले जाड़े में इस भरेरा गाँव में आए थे, वहीं के मंदिर वगैरह में रहते थे, उसके बाद से चले गए थे। कल शाम को एक महिला के साथ आए, और वो महिला बताई जा रही कि इलाहाबाद की है। तो आज जो है उनकी वो कनपट्टी के पास चोट पहुंचा करके उनकी हत्या की गई है, और लेडी हॉस्पिटल में इस समय आ गई। उसको कोई चोट वोट नहीं है। पूछताछ हम कर रहे हैं, हम गहन विवेचना कर रहे हैं, मर्डर का मुकदमा हम कायम कर रहे हैं, और इसमें जितने भी तथ्य हैं उनकी गहराई से जांच करके विवेचना करके हम कार्रवाई करेंगे। क्या महिला? हाँ, महिला से अभी बात हुई हमारी, तो वो जो है थोड़ी सी उसकी बुद्धि कम है, मतलब अब उससे बात कर रहे हैं हम डिटेल में। तो अभी उसने कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं बताई है, लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पुलिस की टीम लगाएंगे जी, वहाँ मौके पर मैं खुद गया था, एसपी सिटी वहाँ मौके पर है, सीईओ है हमारे, और पुलिस की टीमों को हमने लगाया है, निर्देश दिए हैं कि गहनता से इस अभियोग की विवेचना करें। बिजनौर उत्तर प्रदेश से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, GNA इंडिया।